नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय की बिजली व्यवस्था चरमराने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। दरअसल मंगलवार की सुबह 8 बजे से ही बिजली आपूर्ति ठप हो गई। ऐसे में बिजली सप्लाई नहीं होने से सभी महत्वपूर्ण जांचें नहीं हो सकी। हैरानी की बात तो यह है कि घंटों आपूर्ति ठप होने के बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। जबकि खास बात यह है कि सुबह 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ही एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ब्लड की सभी जांचें होती हैं। ऐसे में जिला अस्पताल की दुर्व्यवस्था से मरीजों और उनके तीमारदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि सुबह से ही जांच कराने को लेकर मरीज लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं बिजली आपूर्ति ठप होने से जांच नहीं हो पाई। हालांकि अस्पताल के कर्मचारी बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ फॉल्ट ढूंढने में जुटे रहे, लेकिन बिजली व्यवस्था सुदृढ़ न हो सकी। यहाँ तक कि जिला अस्पताल में लगे जनरेटर से भी कोई काम नहीं हो सका। लेकिन सुबह 8 बजे से ठप बिजली की सप्लाई नहीं होने से अस्पताल से मरीज निराश होकर घरों को लौटने के लिए मजबूर हो गए। वहीं इस संबंध में प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसे ठीक कर लिया गया है। जो भी मरीज लाइन में लगे हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। लेकिन अंत तक लोग इंतजार करते रहे और थक हार कर घर वापस लौट गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित मरीज सुरेश कुमार श्रीवास्तव, पीड़िता मरीज बुजुर्ग महिला सुनीता त्रिपाठी और प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा। मेरा नाम प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। मैं यही गोरखपुर से आया हूँ, इस्माइलपुर मोहल्ले से। और मुझे जो है ऑपरेशन के लिए जांच कराना है, पैथोलॉजी का कई तरह का टेस्ट है। और पिछले 2 घंटे से 8 बजे बुलाया गया था, 2 घंटे से मैं खड़ा हूँ। अभी तक काउंटर खुला नहीं है, बरसात का समय है, मुझे ऑपरेशन भी कराना है। गॉड बिल्डर में स्टोन है, लाइट नहीं है, लाइट के अल्टरनेटिव व्यवस्था जनरेटर रखे हुए हैं, जनरेटर चालू करना चाहिए। मुख्यमंत्री का शहर होते हुए इतनी अव्यवस्था है, यहाँ के अधिकारी लोग कर्मचारी लोग जो है केवल मनमाना करते हैं। 10 मिनट लेट हो जाएगा तो नहीं होगा। अब कल मैं आया था 11:30 बजे कि अब नहीं करेंगे, चला गया वापस। सुबह आइए 8 बजे। सुनीता त्रिपाठी, बेटा 3 घंटा हो गया, मेरे खून पेशाब का टेस्ट कराना है, खून जाँच कराना है। मुझे बहुत तकलीफ है, मेरे हाथ पैर में झुनझुनी आती है, बुखार कपार सिर में चढ़ जाता है। अभी तक जांच क्यों नहीं, क्या बता रहे हैं? नहीं आया, कोई आया नहीं। सदर अस्पताल में लाखों रुपया फूटे फूक, एक पर्ची पर लेते हैं 3-3 रुपया, जनता के मारे मार देते हैं। लाड नहीं है, लाड के लिए परेशानी है।
सप्लाई बाधित है, जनरेटर चल रहा है और जनरेटर बरसात होने से भूमिगत केबिल सब विभिन्न डिपार्टमेंट में गई है, उसकी वजह से कुछ फॉल्ट आई है, अभी सही हो गया है और जांच शुरू हो गई है मरीजों की। सर जैसे आज से साढ़े ग्यारह तक जाँचें होती है, ग्यारह बज रहा है, ऐसी स्थिति में नहीं, जाँचें पूरी कराई जाएंगी, जो मरीज वेट कर रहे हैं उनका जाँचें कराई जाएंगी।